मॉर्निंग दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त। आज की शुरुआत हो रही है 11 बजे से, और हमने अभी तो हमारा पूरा काम फैला है, नाश्ता तो कर लिया है सबने, और क्या ही बताऊं गाइस, सब अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं, और यहाँ पे इतना काम फैला है कि क्या ही बताऊं भाई साहब, इतने कपड़े फैले हैं। अभी हमारा काम नहीं हुआ, आज संडे था तो मैं तो उठी 9 बजे, उसके बाद मैंने करा नाश्ता, फिर अभी काम है मेरा, है झाड़ू पोछा जो रोज का ही होता है, और दीदी का है बर्तन मांजना। दीदी अभी बिग बॉस के मजे ले रहे हैं, और काम पूरा ऐसे पड़ा है, पूरा किचन फैला है, और गाइस क्या ही बताऊँ, सब लोग ना क्या ही बताऊं गाइस, मैं भी अपना काम फटाफट से करती हूं, और गाइस क्या ही बताऊं भाई साहब, आज का दिन ना मेरे बालों को थोड़ा इग्नोर करना, मैंने ऐसी फैला रखे अपने बाल, वो ऐसे रहते हैं, हमेशा बांधना नहीं आता है, और गाइस क्या ही बताए, ओह माय गॉड, हाय हाय। अपने चेहरे को भी देखा जाए शीशे में, बहुत दिन से शीशा भी देखा गाइस, ये थोड़े ठीक ही लग रहे हैं, करते हैं फटाफट से काम, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, बाय बाय गाइस। गाइस एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको, चलो लेके जाती हूँ, यहाँ हमारी दीदी रो रही है, सादा जा रही है, और दीदी रो रहे हैं यहाँ पे, ओ माय गॉड, सादा जा रही है, और दीदी के आंसू निकले थे भाई अभी। बिग बॉस देख देख के ना दीदी बिग बॉस वाले हो गए हैं, और मैं टच कर रही, दीदी बोले क्या कर रही है, टच मत होना, बिग बॉस देख के दीदी बिग बॉस वाला हो गए। ओ भाई, कल की कॉफी की याद आ रही है आपको? सुमित्रा, अगर तू मेरे ब्लॉग देखती ना, मैं तो तेरे लिए कितनी टेस्टी वाली कॉफी नहीं बनाती थी हमेशा, तो बोलती थी कि रोशनी के हाथ की कॉफी पीनी है मुझे। दीदी को ना कल मेरी कॉफी पसंद नहीं आई, दीदी कैसी थी? मुझे गुस्सा आ रहा, कल दीदी को मेरी कॉफी पसंद नहीं आई। इस अनुराग जैसे बाल मेरे होते इतने मोटे। हाय हाय, दीदी रो रहे थे अभी, थोड़ा खुश हो गए। ओ माय गॉड, कितना राज अब खत्म होने वाला है, वो आने वाला है आज भी, बुनावा मुर्गा। बुनावा मुर्गा किसका बोल रहा है? अरे वो देखा है कोरिया का भुनावा मुर्गा। गाइस रियल लाइफ में, और क्या नाम कहते हैं, जो बिग बॉस की लाइफ है ना, उसमें कोई फर्क ही नहीं होता, मतलब जैसे बिग बॉस में देखते हो ना आप, सेम टू सेम रियल लाइफ में भी होता है। अब रोशनी पोछा मार रही है तो पोछा मारना जरूरी है, पर ये दिखाना बहुत ही जरूरी है कि रोशनी पोछा मार रही है, तो दिखाना पड़ता है ना, तभी मुझे यकीन होगा, तभी मुझे यकीन होगा, ये बताना जरूरी है कि पोछा लग चुका है और रोशनी ने मारा है, तभी जाके फील होगा कि पोछा लगा है। हाँ, तो तभी तो दुनिया को लगेगा रोशनी पोछा भी मारती है। दही नली, मेरा काम हो गया है खत्म। पता है दीदी ने कैसे गाने लगा रखे ना, मुझे रोना आ रहा है, ये भगवान कॉपीराइट ना आए, पर ऐसे गाने लगा रखे दीदी यहाँ पे, मांगल सॉन्ग लगा रखे और रोना वाला भयंकर। दीदी ऐसे गाने क्यों लगा रखे आपने, अजीब सा लग रहा है। गाइस काम वगैरह तो हो गया, मतलब अपना काम तो निपट गया है, अब करते हैं थोड़ा नहाना धोना, कपड़े धोना वगैरह, दीदी बना रहे हैं खाना। गाइस हमारा खाना वगैरह सब कुछ हो गया है, सुबह मतलब दिन में जल्दी हो गया था, और गाइस हम आए थे छत पे, मतलब हमने सोचा कि धूप आई होगी, तो भाई आज तो बहुत ही ठंडा हो रहा है, कोहरा कोहरा लगा है पूरा जगह, और बहुत ही ठंड लग रही है यहाँ से हमने हमको मतलब। और दीदी जा रखे हैं बिस्तर के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा ठंडा लगा तो बिस्तर के अंदर, मैं आई छत पे, मैंने कहा थोड़ा कपड़े उठा लेती हूँ, कपड़े कपड़े ले लेती हूँ यहाँ से, बट अभी सूखे नहीं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आ रहे हैं दीदी की बचपन की फ़ोटो लेने, दीदी के दोस्त के घर। ओ भाई बहुत ठंड हो रही है भयंकर, ऐसे लग रहा है कि बर्फ यहीं पड़ गई है। अब हम जा रहे गाइस, यहाँ पे न्यू दुकान भी खुल गई है यहाँ पर आज, और ये हम जा रहे हैं तो वो दीदी के गली में पहुँच गए हैं, और यहाँ से पीछे से कोई आ रहा था, क्या नाम है उसका, पहुँच गए हैं 7 नंबर गली। क्या हो रहा है, देखो बोली नहीं आ रही क्या है?
मेरे गाँव डला गया मुजरा तू मुजरा दिख दे आई तू आंदा तेरे खतरा तू भावना इतना खाई। ओ माय गॉड कितना ठंडा लग रहा है भयंकर। तो हम जा रहे हैं अपनी बचपन की फोटो लेने जो कि आज से 13 साल पहले लेके गई थी पिंकी अपने घर। तो ये रही हमारी बचपन की, ये मेरे बचपन की दोस्त भी है, मैं वैसी की वैसी हूँ, वो बुढ़ी हो गई है। ओह माय गॉड फाइनली पहुंच गई है, खाना पका भी है और काटना भी हमें। पिंकी ये कुत्ता का ना बगीचा ज्यादा लग रहा है। यहाँ घर पे कोई नहीं है तो हमें घर जाना पड़ रहा है अभी। यहाँ पे कोई नहीं है, बंद है, हमें घर जाना पड़ रहा है। फ्रेंड हमें हमारी फोटो तो नहीं मिली क्योंकि वो हमें घर पे तो मिली ही, तो आ गए हम घर। और रोशनी बहन जरा चाय बनाओगी तुम? चाय बना लो और चाय पीने का मन करा। और प्लीज कल जैसी कॉफी तो मत बनाना, बहुत कॉफी बनाओ ना। तेरे हाथों की कॉफी पीने से बढ़िया तो मैं मरना पसंद करूंगी, तो इसलिए तू चाय बना। मेरे बालों में तो ऑलरेडी बस एक ही लगा हुआ है रबर, वो भी देख ये वाला कोई सा लगा ले, क्लचर लगा ले, रबर नहीं मिल रहा है घर। हमें चाय और नमकीन बना के, चाय बना के लागे, नमकीन तो पहले से थी। और ये है रही दीदी, देखो मैं दिन में इतनी कॉल कर रही हूं। आज है आपने क्या डाल रखा है सर पे, इसको क्या बोलते हैं? धातु बतलाओ, हमारे यहाँ साफा बोलते हैं मतलब परांदा। और दीदी ने ये ढाटू बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ साफा ही, साफा बोलता है घड़ा नहीं, साफा बोलो पहले, साफा लगा ये ढाटू है नहीं, साफा ही बोलता है। और ये हमारी चाय, ये वीडियो कॉल का एंजॉय लेते हैं गाइस, देख सकते हो आप। और ये है मुन्नी दीदी, दीदी नमस्ते। नमस्ते, ठीक छो? हाँ मैं ठीक छो, तुम ठीक छो? बस बढ़िया। अच्छा क्या कह रहे, ठंड काटी हो तुम आए हो? पार्क है, अच्छा पार्क तो काफी मस्त बढ़िया। तो ठंड लग रही वहाँ। तो गाइस एक बार फिर से रात के बज गए हैं 10:30 और रोशनी भी कर रही है अपना काम और मैं भी जा रही हूँ सोने। तो गाइज आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको हमारी वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगता है वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो हमारी वीडियो को ऐसे ही प्यार दीजिए। और हमारे 1328 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो आप सभी का धन्यवाद। तो हमारे 1328 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। तो रोशनी कुछ बोलना है? नहीं यार। तो गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखें और मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हरे कृष्णा, और अपने आसपास सभी जानवरों से प्यार करें।